हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंपा फैमिली वर्ल्ड से, आप सब कैसे हो? आज मैं आपको बहुत दिनों से मिली हूँ, आप भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी, दो प्याजा आती हूँ, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। मैंने ले लिया है पनीर और प्याज, टमाटर ये मैंने ली है थोड़ी सी कलियाँ, लहसुन की, अदरक है, दो तीन मिर्चें हैं, और ये मैं प्याज बीच में डालूँगी, जो काजू हूँ मैं बाद में आपको बताती हूँ। पहले मैं प्याज को ग्राइंड करूँगी। और मैं इसमें तेल को डाल रही हूँ कढ़ाई में। अब दोस्तों, मैं इसमें प्याज को पहले फ्राई कर रही हूँ। ये ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा इसका कच्चा पानी ही निकाल लूँगी। दोस्तों, इसमें मैं काजू डालती हूँ, इसको भी थोड़ा सा ही फ्राई करूँगी। काजू भी फ्राई हो गया। अब दोस्तों, इसमें मैं तेज पत्ता डालती हूँ और ये एक टुकड़ा दालचीनी का है, ये दो तीन लौंग हैं और ये चार पांच काली मिर्ची हैं। अब मैं इसमें जो मैंने प्याज डाल दिए, उसको मैं जो मैंने अदरक और टमाटर का पेस्ट है वो डालती हूँ।
मसाले में डाल लेती हूँ मिक्सी वाला ही, क्यों वेस्ट जाए, इसलिए मैं यही पानी मसाले में डाल रही हूँ। मसाले डालती हूँ, नमक डालूंगी मैं स्वाद के अनुसार। अब मैं हल्दी डालती हूँ आधा चम्मच और आधा चम्मच से कम कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ। एक चम्मच दोस्तों जो मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये दोस्तों मैं घर की तरह ही सब्जी बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है, इसलिए मैं मसाले कम ही डालती हूँ। देर उसको 5 मिनट के लिए ऐसे भूनेंगे ढक्कन देकर। ये देखो दोस्तों, ये मेरा मसाला अब भुज कर तैयार हो गया है। ये देखो कितना बढ़िया मसाला मैंने बनाया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डालती हूँ, मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। अब दोस्तों मेरी मैंने ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया है। अब ये इसको एक दो बार आएंगे तो फिर मैं फिर बताती हूँ। अब दोस्तों मैं पनीर डालने जा रही हूँ, मैंने पनीर डाल दिया है। तो कितनी बढ़िया इसकी ग्रेवी बनी है। और अब मैं इसमें जो मैंने काजू फ्राई किए थे वो भी डाल देती हूँ, और जो मैंने इसमें प्याज डाल फ्राई किए थे वो भी इसमें डाल देती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा वो कसूरी मेथी डालती हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। अब मेरी सब्जी जो बन के तैयार हो गई है, ये देखो। ये दोस्तों आप इसको फुलके से खाएं, नान से खाएं, चावल से खाएं, परांठे से खाएं, जिस चीज़ से मर्जी खाएं, ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। और आप इसी तरह इस सब्जी को बनाएं।
इसको बंद करती हूँ और प्लेटिंग करके बताती हूँ। जो दोस्तों मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई दो प्याजा, अगर दोस्तों आपको जिस मेरी दो प्याजा सब्जी पसंद है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों मैं भी मेहनत करती हूँ, आप लोग थोड़ा सा भी मेरा साथ देंगे तो मैं भी थोड़ी आगे बढ़ूँगी और दोस्तों आगे आगे आपको इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपी और जल्दी जल्दी वाली आपको मैं सिखाऊंगी। नमस्कार।